बर्गर किंग में हुए हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लेडी डॉन अनु को गिरफ्तार कर लिया है। बर्गर किंग में हुई हत्या के बाद से ही अनु लेडी डॉन के नाम से मशहूर हो गई थी। वो हिमांशु भाऊ गैंग की सदस्य हैं और इस हत्या की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ले ली थी। आपको याद होगा अनु को नेपाल बॉर्डर के पास उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से गिरफ्तार कर लिया गया है। 18 जून को दिल्ली के राजौरी गार्डन के बर्गर किंग रेस्टोरेंट में अमन नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में लेडी डॉन अनु फरार चल रही थी। दावा यह भी है कि फरारी के वक्त अनु जम्मू, उत्तराखंड और राजस्थान के अलग अलग शहरों में छिपी रही। दावा किया गया कि अनु लखीमपुर के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थी और इस दौरान वो सिग्नल ऐप के जरिए गैंगस्टर हिमांशु भाव के लगातार संपर्क में थी और वो उसकी फाइनेंशियल मदद भी कर रहा था। गैंगस्टर हिमांशु भाव नेपाल के साथ अनु को दुबई बुलाना चाहता था, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही धर दबोचा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लेडी डॉन अनु गिरफ्तार हो चुकी है या पुलिस की गिरफ्त में है। जरूर यहां से नेपाल के रास्ते दुबई भागने का प्लान था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने धर दबोचा है। आपको याद होगा बर्गर किंग में राजौरी में जो पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद से ही लेडी डॉन पर शिकंजा कसने की तैयारी लगातार की जा रही थी और अब आखिरकार पुलिस गिरफ्त में लेडी डॉन अनु।